हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय पाठक स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। फ्रेंड्स, सबको पता है फेस्टिव सीजन आने वाला है, गरबा, डांडिया, नवरात्रे, दशहरा, दिवाली, सब कुछ कुछ टाइम बाद आने वाला है। और इस सीजन में सबको पता है ऑडियो साउंड रिलेटेड इवेंट्स की कितनी हाई डिमांड होती है। तो इसी हाई डिमांड से रिलेटेड जबरदस्त प्रोडक्ट आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, जो आपको स्मॉल, मीडियम, लार्ज हर टाइप के प्रोग्राम में आपको काफ़ी सूटेबल रहेगा, काफ़ी काम आएगा। आपको कहीं स्मॉल इवेंट्स लगाने हैं वहाँ भी काम आएगा, मीडियम लार्ज है वहाँ भी काम आएगा। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं उसके कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा, कुछ उसकी डिटेल्स बताऊंगा। बट उससे पहले मेरा आप चैनल जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा और मोटिवेट कीजिए, जिससे मैं आगे आपको और नए नए प्रोडक्ट्स के और नए अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं। मेरा थोड़ा गला खराब है तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा आज। तो मैं जिस प्रोडक्ट की बात आपसे करने जा रहा हूँ वो है ये प्रोडक्ट। ये है JBL का ION 618S सब वूफर। जी हाँ, मैं इसको अभी आपको दिखाता हूँ। ऊपर मैंने ये ओपन भी कर रखा है, आप देखिए डिज़ाइन में भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ आप देखेंगे JBL का लोगो बना हुआ है, यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ पे JBL का लोगो बना हुआ है। और दोस्तों मैं बता दूँ, ये सिंगल 18 इंच का सबवूफर है जो आपको पावर्ड में मिलता है, मतलब ये इनबिल्ट एम्पलीफायर के साथ आता है। इसके साथ आपको कोई एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने जो है इसको पावर से कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको जिस सोर्स पे चलाना है उस सोर्स के थ्रू आप इसको चला सकते हो। यहाँ आप देखेंगे हैंडल भी आपको दिया हुआ है, लेफ्ट राइट में ऐसे हैंडल आपको एक लेफ्ट में एक राइट में दिया है, जिससे आप आसानी से इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी इसको संभालने में, ले जाने में। ऊपर की साइड में आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको ये एक होल दिया हुआ है। ये होल आप लोगों को देख के पता लग गया होगा, ये आपका नॉर्मली पोल स्टैंड लगाने के लिए है। आप सिंपली दो स्पीकर, एक बेस का एक छोटा प्रोग्राम करना हो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कहीं बड़े प्रोग्राम में आपको कनेक्ट करना हो और बेसिस के साथ में, तो वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसका बैक साइड में लेके आता हूँ आपको। दोस्तों ये है इसका बैक साइड में नेटवर्क प्लेट का। अब आप देखिए इसमें क्या क्या फीचर्स आपको दिए हुए हैं। बहुत अच्छे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं, जो नॉर्मली आपको जल्दी से हर सब पावर सबवूफर में नहीं मिलते हैं। अब मैं एक एक करके आपको इसके फीचर्स बताते चलता हूँ। यहाँ देखेंगे आपको ये ब्लूटूथ दिया हुआ है और नीचे आपको बूट और सिंक के दो बटन दिए हैं। बीच में आप देखेंगे एक इंडिकेशन भी दिया हुआ है लाइट का। तो दोस्तों का सबवूफर है ये आपका वायरलेस, आप इसको ION One कनेक्ट करके, एक ऐप आता है JBL की साइट पे आपको मिल जाएगा, उस पर आप ब्लूटूथ के थ्रू इसको कनेक्ट करके आप जो है इसका EQ उस अपने फोन और लैपटॉप और किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो भी आपका सिस्टम है, डेस्कटॉप है, आईपैड है, जो भी है, उसके थ्रू आप इसका जो है EQ आप सेट कर सकते हैं। इसमें मैं बता दूं आपके 3 बैंड इक्वलाइजर है, आपको इसमें हाई शेल्फ, लो शेल्फ का प्रीसेट्स हैं, आपके इसमें रिकॉल, सेव, आप जैसा भी करना चाहें आप उस ऐप के थ्रू अपने इस सबवूफर को कर सकते हैं। इधर दूसरी साइड में आप देखेंगे नीचे आपको एक, ये देखिए EQ का नॉब दिया हुआ, बटन दिया हुआ है सॉरी। अब आप इसको नॉर्मली ऐसे प्रेस करेंगे तो ये EQ पे नॉर्मली आपका एक जो एक आइडियल EQ सेटिंग होती है बेस की, उस पे ये ऑटोमेटिक चला जाता है। लेकिन आपको अगर इसका प्रॉपर आपको इसका सेट करना है हाई, मिड, लो इस टाइप से, तो आपको ये ऐप के थ्रू ही करना पड़ेगा। नीचे आप देखेंगे पोलैरिटी का बटन दिया हुआ है। दोस्तों ये पोलैरिटी का बटन मैं बता दूं किस लिए दिया है। पोलैरिटी का बटन इसलिए दिया है, आपको कोई सेटिंग अपनी चेंज करनी है, उसको दोबारा से जो है सेट करना है, तो उसके लिए आप ये पोलैरिटी का बटन भी यूज कर सकते हैं और आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। इधर आप देखेंगे यहाँ आपको सिग्नल का, लिमिट का और आपको पावर का, तीन आपको जो है इंडिकेशन दिए हुए हैं। सिग्नल आप जानते हैं, अगर आपके इसमें सिग्नल आ रहा होगा तो ये नॉर्मली जो है आपका लाइट जो है वो ऑन रहेगी। लिमिट आपका, अगर ये सिस्टम जो है पावर से आगे जाएगा तो वहां पे आपको ये लिमिट का इंडिकेशन शो कर देगा। नीचे आप देखेंगे तो ये आपको मास्टर वॉल्यूम का नॉब दिया हुआ है, इससे आप अपना वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हैं। बगल में आप देखेंगे तो ऑन ऑफ के लिए ये दिया हुआ है और फ्रंट LED का ऑन ऑफ है। ये जो JBL का लोगो है उसके नीचे एक LED का छोटा सी लाइट लगी है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए, ऑन रखने के लिए
या ऑफ करने के लिए, उसके लिए ये बटन दिया हुआ है दोस्तों। उसी के नीचे देखेंगे आप मास्टर वॉल्यूम के, तो आपको यहाँ देखेंगे इन वन इन टू, ये दो माइक इनपुट आपको मिलते हैं इसमें। आप इसको माइक की तरह भी यूज कर सकते हैं, आप इसको स्टीरियो बनाकर भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको यूज करके दिखाऊंगा, इसका बेस दिखाऊंगा आपको चला के। उसी के नीचे आप देखेंगे तो आपको थ्रू वन थ्रू टू के भी दो XLR दिए हुए हैं इनपुट्स, तो आप इसके थ्रू आप अपने सबवूफर्स को कनेक्ट और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके थ्रू थ्रू के थ्रू आप कर सकते हैं। और यहाँ दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो ये आपको नॉर्मल एक पावर एडेप्टर है, आपका पावर का सॉकेट दिया हुआ है, 3 पिन का पावर सॉकेट है, और ये आपका ऑन ऑफ का बटन है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको JBL का ION 618 का सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर के थ्रू आप पता लगा सकते हैं आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है और डुप्लीकेट है। और यहाँ आप देखेंगे दोस्तों बड़ी मेन चीज ये आप देखिए यहाँ 230 वोल्ट पे ऑलरेडी ये सेट है, क्योंकि अपने इंडिया में 230 वोल्ट का एक नॉर्मल एवरेज हम लगा के चलते हैं 230 वोल्ट पे, तो ये ऑलरेडी सेट किया हुआ है। पहले नहीं आता था, पहले 115 और 230 दो ऑप्शन आते थे, बट उसमें होता ये था कि लोग गलती से 115 पे चला देते थे और फ्यूज उड़ जाता था, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। इस बार JBL ने वो कमी खत्म करके इसको परमानेंट 230 पे सेट कर दिया है। यहां आप देखेंगे तो इसका आप देखिए यहाँ पे आपको कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक कितने वोल्ट तक का आपको ये मैक्सिमम आपको देता है, पावर के हिसाब से आपको कितनी पावर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है, इसने मेंशन भी किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ। ये स्पीकर सबवूफर जो है आपका 500 वाट कंटिन्यू पावर देता है और 1000 वाट इसका पीक है, और बिलीव मानिए 500 वाट ये जब बेस चलता है तो 500 वाट मुझे तो मैंने फील किया कि मुझे 500 तो नहीं अप्रोक्स 1000 से अबव ही लगता है मुझे इसका फील, क्योंकि एग्जैक्ट आपने देखा होगा कोई कंपनी कहती है कि उनका सबवूफर या स्पीकर 500 वाट दे रहा है, तो 500 तो वैसे भी नहीं देता है, वो देता उससे नीचे ही है। अगर वो एग्जैक्ट देगा तो एग्जैक्ट का मतलब है फिर वो 1000 वाट मेंशन करते हैं कंपनी अपने कैटलॉग में, अपने स्पेक्स में मेंशन करती है, बट ये 500 वाट है तो 500 वाट देता है। अभी मैं आपको इसका सुना के दिखाता हूँ, तो चलिए हम इसकी डिटेल लेते हैं और उसके साथ मैं आपको इसके बारे में और चीजें भी बताता चलता हूँ। दोस्तों आप देखिए मैंने इसमें जो है आपका XLR मेल, एक साइड में दो XLR मेल, दूसरी साइड में EP, इस टाइप का एक जैक बनाया है और इसको मैंने आपके माइक में लगा के स्टीरियो की तरह मैंने इसको यूज किया है। और नीचे आप देखिए मैंने इसका यहाँ पे अडेप्टर लगा दिया, मैं सिंपली इसको ऑन करूंगा, आप देखिए यहां से मैंने ऑन किया, ये ऑन हो गया है आपका। अब जैसे मैं आपको ये लाइट का बता रहा था, अब यहां मैंने ऑन किया, ये आपका देखिए सिस्टम ऑन हो गया। अब मैंने यहां से LED फ्रंट की ऑन किया, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फ्रंट LED, ये देखिए दोस्तों ये इसकी फ्रंट LED है जो ऑन हो गई है। अब मैं चाहूँ तो इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। अब मैं आपको इसका म्यूजिक सुनाता हूँ, इसमें बेस सुनाता हूँ, आप फिर मुझे बताइए कैसा लगा आपको। दोस्तों देखिए मैंने इसका बेस चलाया है, ये अभी 20% पे मैंने इसको किया है, आप देख रहे हैं, आप देखिए मैंने डिप दोस्तों 20% पे। अब मैं इसका और वॉल्यूम बढ़ाता हूँ आपको, देखिएगा आप लोग दोस्तों इसका जो है थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ाऊंगा, आप देखिए आपको भी देखिए आप, आपने देखा इसका कितना हाई इसका इम्पैक्ट है, पंच कितना हार्ड है इसका, आप देख रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसका जो DB है, SPL है इसका सिग्नल का, वो है 134 DB। आप सोचिए 134 DB अगर आप लगाते हैं तो मेरे हिसाब से 1200 वाट 1500 वाट के टॉप या बेस होते हैं आपके, वो
134 dB आपको देते हैं, ये आपका 508 पे 134 दे रहा है, तो आप सोचिए कितना हार्ड पंच होगा इसका आउटपुट, कितना जबरदस्त होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, अगले वीडियो मिलते हैं कुछ ऐसे ही किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए।